दोस्तों अभी के समय में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है ना, तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप जितना चाहें लोन ले सकते हैं। विथ प्रूफ बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। एक ऐसा लोन कंपनी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कंपनी क्लेम करता है कि भैया सिर्फ 10 मिनट के अंदर 50,000 तक का पर्सनल लोन सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेस पर आप ले सकते हैं। कैसे कर अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन सा एप्लीकेशन है, हर एक डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आपको पैसे की दरकार है, आप लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल वेल नोटिफिकेशन को भी करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लाते रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये कंपनी है ये एनबीएफसी से रजिस्टर है। आपको ऐसा कोई भी लोन कंपनी में लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है जो कि एनबीएफसी से रजिस्टर ना हो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहां पर शेयर कर रहे हैं वो आपका सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये कंपनी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आरबीआई से ऑथराइज कंपनी है और इस एप्लीकेशन का पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अपना मोबाइल स्क्रीन यहां पर अलाउ कर दिया हूं, तो आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन क्लियर यहां पर दिखाई दे रहा है। यह जो कंपनी है यह क्लेम करता है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो फिर भी मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉय हैं फिर भी मिलेगा। इमरजेंसी में आपको ये कंपनी लोन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का यहाँ पर टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन का पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए गेट इंस्टेंट कैश लोन अप टू, यहाँ पर कंपनी क्लेम करता है 3 लाख का, लेकिन मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि भैया 50,000 तक का मिलता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करना कि मिनिमम 50,000 तक जो है यहाँ पर अप्लाई करना। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 50,000 तक और मिनिमम 1, 2, 5 जो आपका जरूरत है उस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। पहला स्टेप में यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, सेकंड में बैंकिंग और केवाईसी, और उसके बाद ई सिंगिंग। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला जाता है। चलिए आप एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे कर अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया उसको समझ लीजिए। तो एप्लीकेशन का नाम है हीरो फिनकॉर्प पर्सनल लोन ऐप और एप्लीकेशन का रेटिंग है 3.4 का, और एप्लीकेशन की डाउनलोड की बात करें तो 50 लाख एप्लीकेशन का डाउनलोड है। अब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया कि हीरो फिनकॉर्प यानी कि हीरो जो बाइक बनाने वाली कंपनी है उसी का ये कंपनी है, और ये कंपनी अब लोन भी प्रोवाइड करवाता है, वो भी पर्सनल में। अब इस लोन को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो उसके बारे में समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए किसी भी कंपनी में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे मेन पॉइंट आता है क्या, इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो यहां पर कंपनी ने क्लेम किया है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफ टू 3 लाख विद लो इंटरेस्ट, यानी कि 3 लाख तक का पर्सनल लोन देने के बावजूद भी ये आपसे लो इंटरेस्ट लेगा। अब कितना लेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पर्सनल लोन का जो रेंज होगा वो 50,000 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक का आप अप्लाई कर सकते हो। टर्नओवर जो आपको मिलेगा, जो टाइम आपको मिलेगा, वो मिलेगा मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 36 महीना। जो लोन अमाउंट आप ले रहे हैं उसका रिपेमेंट आपको जो कीजिएगा उसमें आपको जो है टाइम दिया जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 25% पर ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अदर कंपनी में आप अगर देखेंगे तो 12% से लेकर 36% तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये कंपनी कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर होगा ROI जो होगा वो साल का वो 25% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2.5% लगेगा, ये भी ध्यान रखना है कि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2.5% आपको देना होगा, प्लस गवर्नमेंट का जो GST जो टैक्स बनता है वो आपसे ही यहाँ पर लिया जाएगा, तो ये सारा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 1 लाख का लोन इस कंपनी से लेते हैं और 25% पर PA यानी कि पर NM के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है, 12 महीने के लिए लोन मिलता है, तो आपको यहाँ पे लगभग 14,000 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाला है। ठीक है, अगर आप लेते हैं 12 महीना के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन का मतलब ही होता है कि कोई भी इमरजेंसी में आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन हो, एजुकेशनल लोन हो, वेडिंग के लिए चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है, घर बनवाने के लिए आपको पैसा चाहिए, चाहे आप जो है सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सैलरीड पर्सन है, आपको बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, कुछ भी रीजन आप यहाँ पर देकर पर्सनल लोन ले सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बिना यहां पर लोन नहीं मिलता। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले यहां पे कहा गया है, सबसे पहले देखिए क्या बोला गया वो मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। इंडियन सैलरी जो इंडिया के अंदर जो सैलरी
जो सिटीजन है ठीक है, उसका अगर यहाँ पे सैलरी आता है महीने का, तो कोई भी सिविल स्कोर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं। सिविल स्कोर जीरो है फिर भी लोन मिल जाएगा। एज लिमिट 21 साल प्लस होना चाहिए, 21 साल से कम है तो अप्लाई नहीं करना है, लोन रिजेक्ट होगा। 21 साल प्लस और आपका मंथली जो रेंज है, जो इनकम है, वो 15,000 कम से कम आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो इस कंपनी में आपको बिना सिविल स्कोर का लोन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे जो देना पड़ेगा वो पैन कार्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, केवाईसी करना है तो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पे लगेगा, रियल सेल्फी आपको देना है, और यहाँ पे जो भी लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं वो इनकम प्रूफ यहाँ पर आप दिखाकर अपना लोन ले सकते हो। बाकी इस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर भी अवेलेबल है, अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत आपको आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो इनके कस्टमर केयर से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर लेना, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट करवा लेना। बाकी ये कंपनी RBI NBFC से रजिस्टर कंपनी है, बेझिझक होकर आप इस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं फ्रेंड कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की इमरजेंसी है, नीड है, तभी अप्लाई कीजिएगा। बेफिजूल में कभी भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, और जब भी लोन ले रहे हैं टाइम पर पेमेंट कीजिए। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो जो है सिविल स्कोर खराब होगा, कंपनी भी आपको कॉल कर सकता है। बाकी इस कंपनी से अगर आपने ट्राई किया, किसी कारणवश से आपको लोन नहीं मिला, तो फिर आपको कैसे कर मिलेगा, तो आपको मिलेगा कैसे वो सुन लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कीजिए, हमने एक नहीं दो ऐसे लोन कंपनी का लिंक दिया है जो सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेस पर आपको लोन दे सकता है। तो कैसे कर अप्लाई कीजिएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, अगर पूरा डिटेल्स आपको जानना है तो मोर वीडियो के सेक्शन पे जाके हमारा और भी वीडियो आप देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी से वीडियो बनाकर अपलोड किया है। सिंपल सा उस वीडियो को आपको देखना, सीखना, समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।